हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेक्निकल धर्मजीत में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना जो स्नैपचैट अकाउंट है उसको बचा कैसे सकते हैं, मतलब हैक होने से, जो भी अकाउंट हैक होने से बचा कैसे सकते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आपको एक छोटा सा काम करना है। जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। इतना दोस्तों करने के बाद आपको प्ले स्टोर से अपना स्नैपचैट का जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों आप ओपन कीजिएगा, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको चलना है अपने प्रोफाइल वाले में, ठीक है। प्रोफाइल वाले में जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। कभी कभी दोस्तों देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी आपका पासवर्ड भी कोई जान गया और आपका OTP भी ले लिया, तो आपका अकाउंट अगर हैक हो गया। तो मैं एक सेटिंग बताने वाला हूँ, उससे आपका अकाउंट जो है कभी भी हैक नहीं होगा। अगर उसको मान लीजिए आपका पासवर्ड भी पता चल गया, आपका OTP भी पता चल गया, फिर भी वो आपका अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा। स्नैपचैट में एक ऐसा सेटिंग दिया गया है जिससे आप अपना अकाउंट बचा सकते हैं। तो उसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना होगा। और एक पहला बात मैं और बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अपने स्नैपचैट अकाउंट में ईमेल आईडी ऐड नहीं किया है तो ईमेल आईडी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वो पासवर्ड रीसेट ये सेट करने में थोड़ी सहायता मिलती है, ठीक है। इसको दोस्तों टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि SMS वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऐप, मतलब आपको क्या चूज करना है, इस दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। अगर आप ऐप पे लगाना चाहते हैं ऑथेंटिकेशन ऐप तो वो बेटर नहीं होगा, आप SMS वेरिफिकेशन पे लगा दीजिएगा, ठीक है। कि जब भी आपका अकाउंट कोई भी ओपन करेगा तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, जब तक वो OTP नहीं डालिएगा तब तक आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको SMS वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और आपके पास अभी एक OTP आएगा, वो वाला OTP इस पे डाल देना है और आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सारा चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरेट पर अब आपको क्लिक कर देना है। जनरेट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो योर रिकवरी कोड इज इतना इतना एक आ जाएगा, ठीक है। रिकवरी करने के लिए मान लीजिए कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो ये वाला कोड जो है आप रख लीजिएगा कहीं अपने, मतलब कहीं भी नोट्स वोट में कॉपी करके आई राउट इट डाउन रख के। उसके बाद यहाँ पे देखिए SMS वेरिफिकेशन वाला जो है वो सिस्टम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी आप रिकवरी कोड भूल जाते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फॉरगेट डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ तो अभी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अभी पता नहीं चल सकता है, क्योंकि अभी ये हैक नहीं हुआ है। इसलिए तो ये वाला टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे आपका अकाउंट बहुत सिक्योर हो जाएगा, मतलब बच जाएगा हैक होने से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।